दोस्तों, हम सब की फैमिली में जनरेशंस तो होती हैं। दादा बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजर। आज मैं उन जनरेशंस की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G के बारे में। Hey guys, सचिन सक्सेना हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G के बारे में। ये जनरेशन्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनका क्या यूज़ है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कभी कभार मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देता हूँ, लाइक अगर आपने वो सिंक वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पर भी आ रहा होगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं मारा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ पहले 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 मिल। सबसे पहले बात करूँगा 1G की। 1G यानी फर्स्ट जनरेशन, 1980s की टाइम है ये। 1980 के दशक की बात है, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे। इंडिया में फ़िलहाल लॉन्च नहीं हुआ था, और ये उस टाइम की बात है जब हम लोग वो लैंडलाइन वाला फ़ोन, गोल 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 फ़ोन यूज़ करते थे, और वो बोलते थे हाँ हेलो, तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है, आ जाओ। ऐसी मूवीज़ बनती थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1980 के दशक की मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर 1G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी थी, इंडिया में बहुत लेट आई, बट वर्ल्ड में अगर बात की जो फिनलैंड वगैरह में, वहाँ पर लॉन्च हो चुकी थी। और उस टाइम पर 1G टेक्नोलॉजी में इंटरनेट फैसिलिटी या नेटवर्क कनेक्शन का कोई भी फैसिलिटी नहीं होती थी। उस टाइम केवल हम वॉइस कॉल कनेक्ट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। अगर फर्स्ट जनरेशन 1G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि लैंडलाइन से तो बेटर था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सिर्फ कॉल ही करते थे और कॉलिंग में भी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती थी। तो 1G ने कुछ उसमें थोड़ा सा हेल्प कर दिया और आप लोग फ़ोन वगैरह का यूज़ करने लगे। 1980s की बात है, उस टाइम से हम लोग 1G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, और बड़े बड़े फ़ोन होते थे डब्बे टाइप के, तो आप उनका यूज़ कर सकते थे और उनसे बात बात कर सकते थे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता था, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वो आप, मैं बोलूँगा उसको, आपको शायद सुन के हंसी आ जाए कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड थी, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंड हो सकता था, वो था 2.4 KBPS। मतलब कि लगभग 2 या 3 KB पर सेकेंड आपको एक सेकेंड में डेटा ट्रांसमिट होता था। ये मैक्सिमम स्पीड है, मतलब आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 KB। और आज के टाइम पर हम लोग 100 KB, 100 KB, 500 KB ये पर इंडिविजुअल मिलता है। और मैक्सिमम बात करूं तो 1-1 GB तक का 100-100 MB, 50-50 MB के स्पीड से मिलता है, और वो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, देन तब आपको जाके मिलता है 50-100 KB। तो उसकी मैक्सिमम अगर 2 KB थी तो आपको इंडिविजुअली कितना मिल रहा होगा, शायद 1 KB से कम डेटा। तो कितना ज़्यादा स्लो ट्रांसमिशन होता होगा, आप सोच के देखिए, वो बहुत कमाल चीज़ हो जाएगी, बहुत अलग हो जाएगा, ये सोचना बहुत अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो 1G टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली एनालॉग वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। आपको पता होगा कि आज जितने भी आजकल मोबाइल डिवाइसेज आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, उसमें आजकल बाइनरी या डिजिटल चीज़ों का यूज़ हो रहा है, और डिजिटल यानी कि मशीन का यूज़ होता है, उसमें सारी चीज़ें 0 या 1 में काम करती हैं। बट जो 1G टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली वेव्स पर आधारित थी, उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। मतलब ऊपर नीचे 0-1 ऐसा कुछ नहीं होता था कि डेटा जो जा रहा है 0-1 में जा रहा, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज जो है ना, वो 0-1 उसको डिवाइसेज अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। जैसे मेरे को हिंदी आता है, आपको हिंदी आता है, तो आप लोग हिंदी आपस में, मतलब कोई बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। वैसे वही चीज़ डिवाइसेस के साथ है कि उन्हें 0-1 बाइनरी वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं। बट उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी होती थी डेटा सेंड करने के लिए, डेटा इधर से उधर, तो वहाँ पे वो लोग एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, एनालॉग वेव्स का यूज़ हो रहा था। तो दैट्स वाई इस वजह से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्लो थी। चलिए अब बात करते हैं 2G। 2G यानी सेकंड जनरेशन। ये जितने भी जनरेशन है, 1G, 2G, 3G जितने भी है, सबका जी मतलब वो वाला नहीं, जी मतलब जनरेशन वाला, सभी का जनरेशन है जी मतलब जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसी तरह से चल रहे हैं सारे के सारे। अब जो सेकंड जनरेशन आया, ये आया 1991 में, 90 के दशक की बात कर रहे हैं। आमिर, सलमान, शाहरुख, इनके ज़माने आ चुके थे इंडिया में, तो उस टाइम की बात है। 1991 में फ़िलहाल लॉन्च हो गया था 2G। और जैसे की बात है, जितने भी ये जनरेशन जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें नेटवर्क को लेके फैसिलिटी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, रेंज बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो सीधी बात है, 2G आया तो 1G को रिप्लेस कर दिया गया, 1G को हटा दिया गया। और इसमें क्या फीचर्स मिलते थे, अभी तक आपको पता है कि हम लोग 1G यूज़ करते थे, वो बेसिकली मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, कि सिर्फ हम वॉइस कॉल कर सकते थे, उससे क्या कर सकते थे, सिर्फ बात कर सकते थे। बट जो 2G आया, उससे हम लोग पिक्चर सेंड करने लगे, हम लोग छोटे छोटे SMS सेंड करने लगे, और MMS जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स होते ना, वो भी हम लोग सेंड कर सकते थे। और आपको शायद
शायद याद हो कि अगर आप 90s के वो शक्तिमान वाले टाइम वाले बच्चे हो तो आपने शायद नोकिया के फ़ोन्स यूज़ करे होंगे, नोकिया 2700 क्लासिक, नोकिया वगैरह। तो उस टाइम पे हम लोगों को जो फ़ोन मिलते थे भैया 2G फ़ोन होते, और यार इंडिया में तो अभी तक चलते थे। मैं बताऊँ, मैं जब 10th 12th में था वहाँ पर मैंने यूज़ किया और नोकिया के 2700 क्लासिक, नोकिया C2, इस टाइप के जो फ़ोन्स आते थे सारे 2G होते थे। और अच्छी बात तो यह है कि आपने देखा होगा उनमें जो सिग्नल कैसे पहचाना जाता था, अगर आप 2G यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें नेटवर्क में ई आता था, तो उससे समझ आता था कि आपका 2G चल रहा है। अगर उसमें G आ रहा है मतलब 1G वाला चल रहा है, और अगर जैसे 3G है तो उसमें H बन के आता है, H प्लस बन के आता है। 4G में आपने देखा होगा LTE वगैरह लिख के आता है। तो ऐसे ही ये सब उनके कुछ सिंबल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये वाली टेक्नोलॉजी का हम इस समय यूज़ हो रहा है। तो ई वाला बहुत यूज़ करता है और उसमें मस्त फेसबुक चलाया करते थे। वो टाइम की बात अलग है यार, वो मेमोरीज कभी नहीं भूली जा सकती कि उस टाइम पे इंटरनेट बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था। हम लोग यूट्यूब तो यार उस टाइम पे चलता ही नहीं था, जस्ट हम लोग गूगल पे सर्च करते थे चीज़ों को और धड़ वो लोड हो रहा है ऊपर से यूसी ब्राउजर वगैरह, वो समझ जाओ सब। तो 2G में क्या हुआ था बेसिकली, ये फास्ट कैसे हो गया था, इसमें क्या होता था एनालॉग टेक्नोलॉजी से हटा के डिजिटल में हम लोग कन्वर्ट हो गए थे। मतलब जैसे मैंने बोला कि 1G में एनालॉग वेव्स पर काम हो रहा था, इसमें हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट हो गए थे और एनालॉग से डिजिटल में डेटा ट्रांसमिट होने लगा था। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो इसमें 50 KB/s डेटा सेंड हो सकता था। मतलब इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ 50 KBPS। जब ये इंडिविजुअली डिवाइड होगा अलग अलग तो आपको 2, 4 KB, 5 KB मैक्सिमम जो था आई थिंक 10 KB भी स्पीड नहीं आती थी, नॉर्मली 7-8। चलिए अब बात करते हैं 3G यानी थर्ड जनरेशन पर। 3G यानी वो आपने H प्लस देखा होगा। अगर आपने उस टाइम पे, हम लोग 2012-13 की बात, 14 की बात करूँ, उस टाइम पे 3G फोन्स आने लग गए थे। बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड तो 2010 में लॉन्च हो चुका था, इंडिया में थोड़ा बाद में आया। और उस टाइम पे 3G में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलने लगी थी, हम लोग यार इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया चलाने लगे थे, और हाँ आप वीडियो वगैरह ऑनलाइन देख सके थे। और उस टाइम पे वीडियो कॉल्स का चलन थोड़ा थोड़ा हो गया था, आपको पता होगा स्काइप वगैरह लोग यूज़ करने लगे थे। नॉर्मली फ़ोन में तो इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन हाँ लोग अपने PC में कैम वगैरह लगा के कनेक्ट करते थे। मुझे याद है कि मैं अपने रिलेटिव के यहाँ, उनके पास कैमरा था, तो हम लोग स्काइप से वीडियो कॉल वगैरह कर लेते थे, बहुत कम लोगों के पास होता था। तो 3G हम लोग उस टाइम पे यूज़ करने लगे थे और इसमें स्पीड बहुत अच्छी मिलती थी, हल्का फुल्का लोग यूट्यूब वगैरह एक्सेस करने लगे थे। व्हाट्सएप तो आए भी नहीं थे, उतने ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मतलब 3G एक आपको स्पीड दे दी थी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने बताया कि 1G जो था वो बेसिकली मोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड था, उसके बाद जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है 2G 3G ये सारी की सारी जो थी वो बेसिकली इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर बेस हो गई। इनसे हम क्या डेटा ट्रांसमिट करते थे बढ़िया इंटरनेट चलाने के लिए। और आज भी हम लोग जितनी भी जनरेशन यूज़ कर रहे हैं 4G जो करंटली यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी बेसिकली वही इंटरनेट को रिलेटेड। इसकी अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 2 MB/s, 2 MB आपको पर सेकंड की स्पीड मिल जाती है। अब इस करंट जनरेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 4G, जो कि फिलहाल करंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन कह सकते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो ये 2008 में लॉन्च हो चुकी थी, और इसको तो आप जानते हैं जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग हाई स्पीड अल्ट्रा स्पीड इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइव वीडियोज़ देख सकते हैं। फीचर्स तो आपको पता है क्योंकि खुद ही आप लोग यूज़ कर रहे हो। और इंडिया में कब आया वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जियो ने अल्लाह के हाहाकार मचा दिया था। 2016 में लॉन्च हुआ था, 2016 में फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी। और अब तो यार जियो ने भी रेट बढ़ा दिए, उससे पहले तक जो 3G था तो वो सब और कंपनीज के मुंह मांगे दिमाग चलते थे कि भैया इतने रुपए देंगे तो आपको इतने दिनों के लिए मात्र 25 GB। मुझे शायद याद है कि हम लोग या 25 या 30 रुपए में आपको 100 या 200 MB डेटा मिलता था, वो भी लिमिटेड डेज के लिए, 3 दिन 5 दिन ऐसा कुछ मिलता था एयरटेल का। तो भैया यार बहुत ज़्यादा महंगा था। तो जियो के आने के बाद इंडिया में तो यार क्रांति आ गई। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो इसमें 1 GB/s 1 GBPS की स्पीड मिलती है, बट मिलती कितनी आपको पता ही होगा, 100-200 KB भी आ जाती है नॉर्मली। कभी कभी अगर सुबह के टाइम यूज़ करते हो तो 1 MBPS तक आपको स्पीड मैक्सिमम मिल पाती है, बट इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है होल जियो की वो 1 GB/s है। 4G की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 4G स्पीड है, डेटा इतनी स्पीड से जा सकता है। द वन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो बहुत जल्द आने वाली है, नेक्स्ट ईयर 2020 तक 2020 तक आ जाएगी, वो है 5G यानी 5th जनरेशन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिसे कह रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी तो लॉन्च नहीं हुई, बट और कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, लाइक रसिया, साउथ कोरिया वगैरह, साउथ जो भी है वहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं, चाइना वगैरह में टेस्टिंग वगैरह चल रहे हैं। तो 5th जनरेशन आजकल तो फ़ोन्स भी आने लगे हैं कुछ 5G को सपोर्ट करने वाले, तो फिलहाल 5th जनरेशन एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और BSNL इंडिया में कह रहा है कि वो सबसे पहले 2020 तक वो भी 5G इंडिया में लॉन्च कर देगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत गजब हो जाएगा, बिकॉज BSNL की इस समय हालत बहुत पतली है, और BSNL को मतलब बहुत ज़्यादा यार उसको रेट्स, उसके शेयर्स वगैरह डाउन चल रहे हैं। तो अगर 5G वो लॉन्च कर देता है तो काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदा होगा इससे BSNL को, क्योंकि और कंपनीज अभी नहीं ला पाएंगी और डेटा वेटा पैक्स तो इसके महंगे होंगे। स्पीड और फीचर सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इंटरनेट की दुनिया में ना एक नया भूचाल आ जाएगा अगर 5G लॉन्च होता है 2020 में विद BSNL या कोई भी कंपनी करे, क्योंकि और भी कंपनीज पे काम कर रहे हैं, सभी कोई लगा पड़ा है और सब एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। सो यही कुछ होगा, जो भी होगा देखते हैं आगे क्या होता है, बट 5G फिलहाल 2020 तक वर्ल्ड में तो लॉन्च हो ही जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा 1G 2G 3G 4G ये 5G सारे के सारे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, ये सारे वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम वॉइस कॉल वीडियो कॉल ये सारी चीज़ें आज कर पाते हैं, इंटरनेट कर पाते हैं। अगर ये जनरेशंस ना होती तो शायद हम लोग इंटरनेट पर वायरलेसली इंटरनेट यूज़ ना कर पाते इन जनरेशंस के बिना, और आगे क्या होगा देखते हैं। बट फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और हाँ बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।